केमिकल होता है सिंथेटिक पैराथ्राइड। तो सिंथेटिक पैराथ्राइड को पानी में मिला करके 6 फीट की ऊंचाई तक, क्योंकि कालाजार में 6 फीट तक कहीं हम करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सैंडफ्लाई नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पटना के सभी जल जमाव क्षेत्र मुक्त हो गए हैं, वहां पर हम IRS स्प्रे कराएंगे, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे कराएंगे। और कल से ये टीम को, इन 10 टीमों को गठित किया गया है, जो घर घर जाएंगे और इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करेंगे। मेरा मीडिया के साथियों के माध्यम से पटना के निवासियों से ये अनुरोध है कि जब ये टीम जाए तो आप कृपया इनके साथ सहयोग करें। किचन में या अन्य कोई जो सामान है जो दीवार से लगा हुआ है, आवश्यक होगा कि हम उसको हटा लें, ताकि उस स्प्रे को सुचारू रूप से किया जा सके। और इस स्प्रे के माध्यम से हम उन तमाम घरों को कर पाएंगे जो इसकी कार्य योजना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 10 तारीख से प्रारंभ होगा। राजेंद्र नगर में 4 दल हैं, 2 दल राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 और 2 पे, और 1B जो रोड नंबर 1B है उसमें लगाया जा रहा है। कंकड़बाग में 4 दल लगाए जा रहे हैं, एक एक दल अशोक नगर में तथा रोड नंबर 1, 4, 5 और 6 में, और पाटलिपुत्रा कॉलोनी में 2 दल लगाए गए हैं, जो नोटरडेम एकेडमी की ओर से कार्य को प्रारंभ करेंगे। मैं पुनः 2 चीजों के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि घर के अंदर भी हम सुनिश्चित करें कि कहीं भी जल जमाव ना हो, ताकि मच्छर न पनप पाए। और एक IRS की टीम जब जाए तो कृपया आप उसको सहयोग प्रदान करें। तो आप सुन रहे थे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जल जमाव जहां था वहां से पानी निकासी के बाद किस तरह की योजना बनाई है सरकार ने, और उसको लेकर के वो ये भी कह रहे थे कि जो जहां भी जाएंगे उनकी टीम के